जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले बच्चों जानेंगे इसका पहचान, पहचानने क्या तरीका है। सबसे पहले बच्चों इसका पहचान देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान हम लोग देखेंगे। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, इसमें हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे एवं या, ये, ई, आकर, दुर्गीकर, हरसई इत्यादि लगा रहता है। यानी इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे एवं या, ये, ई, आकर, दुर्गीकर, ई, हरसई इत्यादि लगा रहता है। तो बच्चों आगे देखेंगे, यदि भूतकाल में एक साथ दो काम होते हो, यदि भूतकाल में पास्ट टेंस में एक साथ दो काम होते हो, तो इसमें जो पहला काम होगा, यानी सेंटेंस में वाक्य में जो पहला काम होगा उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, और जो दूसरा काम होगा तो दूसरा काम का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। तो देखते हैं, यदि भूतकाल में एक साथ दो काम होते हो तो पहला काम का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सबसे पहले पहला काम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेड, हेड का प्रयोग कर देंगे, प्लस वी थ्री भाव का तीसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और बीच में जरूरत पड़ने पे बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे, जरूरत पड़ने पे बिफोर या आफ्टर का प्रयोग करेंगे। और इसमें जो दूसरा काम होगा तो दूसरा काम का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू भाव का दूसरा रूप लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लेकिन अगर वाक्य में केवल एक ही काम हो रहे हो तो एक ही काम के लिए जो इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है। एग्जाम्पल नंबर वन, सीता पत्र लिख चुकी थी। इसमें देखेंगे एक ही काम हो रहे हैं, सीता पत्र लिख चुकी थी, इसमें केवल एक काम हो रहे हैं, तो हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसमें देखेंगे लिखना क्रिया है, क्रिया के अंत में चुकी थी लगा हुआ है, क्रिया के अंत में चुकी थी लगा हुआ है, और इसमें केवल एक ही काम हो रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट लिखेंगे, इस फॉर्मूला बनाएंगे सीता, यहाँ सीता लिखेंगे, सीता, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे हेड, उसके बाद भाव थ्री का प्रयोग करेंगे, लिखना राइट रोट रिटेन, राइट मीन्स लिखना, राइट रोट रिटेन, यहाँ भीतरी लगाएंगे रिटेन, सीता हैज रिटेन पत्र, पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर, सीता हैड रिटेन ए लेटर, इस तरह से बनाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मच्छर मार चुका था। इसमें देख रहे हैं बच्चों कि दो काम हो रहे हैं एक साथ में, भूतकाल में दो काम हो रहे हैं एक साथ, तो पहला काम जो होगा, पहला काम का स्ट्रक्चर ये रहेगा, इस फॉर्मूला में बनाएंगे, और दूसरा काम का जो स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार होगा। इसमें देखते हैं पहला काम कौन है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहला हमारा पहला काम ये है, रोगी मर चुका, मच्छर मार चुका था, तो हमारा पहला काम है रोगी मच्छर मार चुका था, इतिहास बनाएंगे, रोगी की मीनिंग पहले लिखेंगे, रोगी की मीनिंग लिखेंगे द पेशेंट, द पेशेंट, उसके बाद इस फार्मूला पे बनाएंगे, क्योंकि पहला काम ये है हेड, हेड का प्रयोग करें, द पेशेंट हेड, मारना, मारना की मीनिंग लिखेंगे, भीतरी लगाएंगे भाव का तीसरा रूप लगाएंगे किल्ड, द पेशेंट हैड किल्ड, मच्छर की मीनिंग लिखेंगे मॉस्क्यूटो, उसके बाद पहले, पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर का प्रयोग करेंगे बिफोर, उसके बाद डॉक्टर के आने, इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे डॉक्टर लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर, उसके बाद भाव टू का प्रयोग इस फॉर्मूला पे बनाएंगे, भाव टू लगाएंगे कम, कम की वी टू होती है केम, यहाँ लिखेंगे केम, द पेशेंट हैड किल्ड मॉस्क्यूटो बिफोर द डॉक्टर केम, इस तरह से बनाएंगे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं एग्जांपल, शेर हिरन का शिकार
कर चुका था, शेर हिरण का शिकार कर चुका था, इसमें एक ही काम हो रहा है तो इस फार्मूला पे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं शेर, शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन, द लायन। उसके बाद हेड का प्रयोग कर देंगे हेड। उसके बाद शिकार करना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे भीतरी लगाएंगे, शिकार करना की मीनिंग हंटेड, हंटेड में शिकार करना, शिकार किया। द लायन हैड हंटेड हिरन, हिरन की मीनिंग लिखेंगे द डियर, द डियर। द लायन हैड हंटेड द डियर, इस तरह से बच्चों बनाएंगे। और बच्चों हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को सही शिक्षा देना है, ना कि किसी किस्म का व्यापार करना। तो चलिए बच्चों और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देखते हैं, आगे चलते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा चुके थे, इसमें देखेंगे एक ही काम हो रहे हैं, शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा चुके थे, यानी सेंटेंस में भूतकाल में केवल एक ही काम हो रहे हैं, तो इसमें हेड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे हेड, उसके बाद भाव का तीसरा रूप लगाएंगे भीतरी लगाएंगे द टीचर हेड, उसके बाद पढ़ाना के मीनिंग लिखेंगे टीच टाउट टाउट, यहाँ भीतरी लगाएंगे टाउट, द टीचर हैड टाउट हिंदी, यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे टू टू, बच्चों बच्चों की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। द टीचर हैड टाउट हिंदी टू चिल्ड्रेन, इस तरह से बनाएंगे। मोना के गाली देने के पहले हल्कू मर चुका था, इसमें भूतकाल में दो काम हो रहे थे देखेंगे, इसमें पहला काम कौन है, तो पहला काम हमारा है ये हल्कू मर चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हल्कू। तो पहला काम ये था, इसमें हेड का प्रयोग करेंगे हल्कू हेड। उसके बाद मगना की मीनिंग लिखेंगे भीतरी लगाएंगे भाव थ्री डाइड, हल्कू हैड डाइड। उसके बाद पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर, मोना मोना लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद भाव टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये दूसरा काम है मोना के गाली देने, तो इसमें भाव टू का प्रयोग करेंगे, गाली देना की मीनिंग लिखेंगे एब्यूज्ड, वी टू लगाएंगे मोना एब्यूज्ड, हल्कू है डार्ड बिफोर मोना एब्यूज्ड। मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, तो इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, तो पहला काम हमारा ये है चपरासी घंटी बजा चुका था, तो पहला काम है, इसमें हेड का प्रयोग करेंगे, पहले चपरासी की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे द प्यून, द प्यून हेड का प्रयोग करेंगे हेड, घंटी बजाना की मीनिंग लिखेंगे, बजाना की मीनिंग लिखेंगे रिंग डेंग रंग, यहाँ भीतरी लगाएंगे रंग, रंग द बेल, घंटी की मीनिंग लिखेंगे बेल, द प्यून हेड रंग द बेल। उसके बाद पहले की मीनिंग लिखेंगे किए, पहले की मीनिंग बिफोर, उसके बाद मेरे, मेरे की मीनिंग लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे आई, मेरे की मीनिंग आई लिख देंगे, उसके बाद भाव टू का प्रयोग करेंगे पहुंचना, पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे वी टू लगाएंगे रीच्ड, भाव का दूसरा लगाएंगे रीच्ड, आई रीच्ड स्कूल, विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे स्कूल। द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रिच्ड स्कूल, इस तरह से बनाएंगे। घोड़ा के घास खाने के पहले शेर सो चुका था, इसमें देखेंगे पहला काम ये है शेर सो चुका था, ये पहला काम, इसमें हेड का प्रयोग करेंगे, शेर की मीनिंग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द लायन, द लायन। उसके बाद हेड का प्रयोग कर देंगे हेड, सोना, सोना की मीनिंग लिखेंगे यहाँ भीतरी लगाएंगे भाव का तीसरा रूप लगाएंगे स्लिप स्लेप्ट स्लेप्ट, यहाँ लिखेंगे स्लेप्ट, द लायन हैड स्लेप्ट। उसके बाद के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर, बिफोर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे घोड़ा, घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स,
बिफोर द हॉर्स, उसके बाद वी टू का प्रयोग करेंगे। यह दूसरा काम है घोड़ा के घास खाने, तो यहाँ पे खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट एट, यहाँ वी टू लगाएंगे एट एट, घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास। द लायन हैड स्लेप्ट बिफोर द हॉर्स एट ग्रास, इस तरह से बनाएंगे। गाय के दूध देने के पहले ग्वाला खाना खा चुका था, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, तो पहला काम है ये ग्वाला खाना खा चुका था, तो ग्वाला की मीनिंग पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मिल्क मैन, यहाँ लिखेंगे द मिल्क मैन। इसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे हैड, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट एट ईटेन, यहाँ भीतरी लगाएंगे ईटेन। उसके बाद खाना की मीनिंग लिखेंगे फूड, द मिल्कमैन हैड ईटेन फूड पहले, के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर बिफोर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गाय, गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। उसके बाद वी टू का प्रयोग करेंगे, ये दूसरा काम है गाय के दूध देने, बिफोर द काउ गिव गेव, यहाँ वी टू लगाएंगे गेव, बिफोर द काउ गेव, दूध के लिखेंगे मिल्क। द मिल्क मैन हैड ईटेन फूड बिफोर द काउ गेव मिल्क, यहाँ वी टू लगाएंगे। किसान के धान उगाने के पहले बच्चे विद्यालय पहुँच चुके थे, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, तो पहला काम ये है बच्चे विद्यालय पहुँच चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं बच्चे, बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। इसके साथ हैड का प्रयोग करेंगे द चिल्ड्रेन हैड, उसके बाद वी थ्री लगाएंगे, पहुंचना की मीनिंग लिखेंगे वी थ्री अराइव्ड, चिल्ड्रेन हैड अराइव्ड, विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे स्कूल। पहले के पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर, चिल्ड्रेन हैड अराइव्ड स्कूल बिफोर। उसके बाद किसान, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर बिफोर द फार्मर। उसके बाद वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, उगाना की मीनिंग लिखेंगे ग्रो ग्रू ग्रोन, द फार्मर ग्रू, धान की मीनिंग लिखेंगे पेडी। चिल्ड्रेन हैड अराइव्ड स्कूल बिफोर द फार्मर ग्रू पेडी, इस तरह से बनाएंगे। वर्षा होने के पहले मछली गीत गा चुकी थी, इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, पहला काम ये है मछली गीत गा चुकी थी, तो मछली की मीनिंग लिखेंगे पहले द फिश। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे हैड, द फिश हैड। उसके बाद भीथरी का प्रयोग करेंगे सिंग सेंग संग, यहाँ लिखेंगे संग, संग ए सॉन्ग, गीत गाना के मीनिंग लिखेंगे सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ भीतरी का प्रयोग करेंगे द फिश हैड संग ए सॉन्ग। उसके बाद पहले, पहले की मीनिंग लिखेंगे बिफोर। उसके बाद वर्षा होना, वर्षा होना की यहाँ पर बनाएंगे भाग टू का प्रयोग करेंगे, तो वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसमें ईट का प्रयोग करते हैं, पहले ईट लगाएंगे ईट। उसके बाद वी टू का प्रयोग करेंगे रेंड, भाग टू लगाएंगे रेड आर ए आई एन ई डी रेंड, द फिश हैड संग ए सॉन्ग बिफोर इट रेंड, इस तरह से बच्चों बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और भी बहुत सारा एग्जांपल लिखते हैं, आगे आगे चलते हैं। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, आगे और भी एग्जांपल देखते हैं। सूर्य डूबने के बाद मोना ने गाली दी थी, इसमें देखेंगे बच्चों की पहला काम कौन है, सूर्य डूबने के बाद मोना ने गाली दी थी, तो सबसे पहला काम है सूर्य का डूबना, तो यहाँ शुरू करेंगे, पहले लिखेंगे द सन, द सन, तो पहला काम ये है, तो इसमें हेड का प्रयोग करेंगे द सन हैड डूबना, डूबना की मीनिंग लिखेंगे सेट, इसका भीतरी भी सेम होता है सेट सेट सेट, द सन हैड सेट। उसके बाद के बाद, के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद मोना लिखेंगे मोना। उसके बाद ये दूसरा काम है, तो वर्ब टू का प्रयोग करेंगे अब्यूज्ड, यहाँ अब्यूज्ड वी टू लगाएंगे,
द सन हैड सेट आफ्टर मोना एब्यूज्ड, वर्षा होने के बाद मैंने फल खाया। इसमें देखेंगे पहला काम कौन है, पहला काम है वर्षा होना, तो यहाँ शुरू करेंगे। सबसे पहले वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसके लिए ईट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ईट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में ईट लगाएंगे, ईट। उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पहला काम है, तो पहला काम हेड का प्रयोग करते हैं, ईट हैड। उसके बाद वी थ्री लगाएंगे, रेंड, ईट हैड रेंड। उसके बाद बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। मैंने फल खाया, ये दूसरा काम, इसमें वी टू का प्रयोग करेंगे, मैंने की मीनिंग लिखेंगे आई। उसके बाद वी टू लगाएंगे एट, ईट एट, वी टू लगा देंगे एट। फल की मीनिंग लिखेंगे फ्रूट। ईट हैड रेंड आफ्टर आई एट फ्रूट, इस तरह से बनाएंगे। शेर के मरने के बाद हाथी ने घास खाया, तो देखेंगे इसमें पहला काम कौन है, पहला काम है शेर का मरना, ये पहला काम है, तो इसमें हेड का प्रयोग करेंगे। शेर की मीनिंग लिखते हैं द लायन, इसके साथ हेड लगाएंगे क्योंकि ये पहला काम है, द लायन हेड। मरना की मीनिंग यहाँ भीतरी लगाएंगे, डाइड, द लायन हैड डाइड। के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद इसमें वी टू लगाएंगे, हाथी ने घास खाया, इसमें दूसरा काम है, तो वर्ब टू लगाएंगे। हाथी की मीनिंग पहले लिखते हैं द एलिफेंट, द एलिफेंट। उसके बाद वी टू लगाएंगे ईट एट, यहाँ वी टू लगाएंगे एट, खाया की मीनिंग लिखेंगे एट, ग्रास, घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास। माँ के रोटी पकाने के बाद मैंने किताब खरीदा, तो इसमें देखेंगे पहला काम ये है, माँ के रोटी पकाने, ये पहला काम, इसमें हेड का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे माँ की मीनिंग लिखेंगे पहले सब्जेक्ट यानी द मदर, इसमें हेड का प्रयोग करेंगे द मदर हैड। उसका वी थ्री लगाएंगे, भाव का तीसरा रूप कुक्ड, वी थ्री लगाएंगे कुक्ड, पकाया। द मदर हैड कुक्ड, रोटी की मीनिंग लिखेंगे ब्रेड। उसके बाद के बाद की मीनिंग लिखेंगे आफ्टर। उसके बाद मैंने किताब खरीदा, ये दूसरा काम है, तो वी टू लगाएंगे, मैंने की मीनिंग लिखेंगे आई, खरीदा, इसमें वी टू लगाएंगे बाय, बाउट, इसमें लिखेंगे वी टू लगाएंगे बाउट। किताब की मीनिंग लिखेंगे बुक। द मदर हैड कुक्ड ब्रेड आफ्टर आई बाउट बुक, इस तरह से बच्चों बनाएंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बिल्ली दूध पी चुकी थी, तो इस तरह के सेंटेंस में अगर आगे में जब लगा रहे जब, तो इसको शुरू से बनाएंगे, लेकिन नियम वही रहेगा, पहला काम में हेड का प्रयोग करेंगे और दूसरा काम में वी टू लगाएंगे। तो देखेंगे पहले जब की मीनिंग लिखेंगे, यहाँ पर जब की मीनिंग पहले शुरुआत करेंगे वेन, जब की मीनिंग लिखेंगे वेन। उसके बाद शुरू से बनाएंगे, जब मैं वहाँ पहुँचा, तो ये दूसरा काम हमारा है, तो दूसरा काम में वी टू का प्रयोग करेंगे, मैं की मीनिंग लिखेंगे आई, वेन आई पहुँचा की वी टू लगाएंगे यहाँ पे, रीच्ड, वेन आई रीच्ड, वहाँ की मीनिंग लिखेंगे देयर, क्योंकि ये दूसरा काम है इसीलिए वी टू का प्रयोग कर रहे हैं। वेन आई रीच्ड देयर, तो की मीनिंग कोमा देते हैं, तो की मीनिंग कोमा देंगे। उसके बाद बनाएंगे बिल्ली दूध पी चुकी थी, ये पहला काम, इसमें हेड का प्रयोग करेंगे, बिल्ली की मीनिंग लिखेंगे द कैट। उसके बाद हेड लगाएंगे हेड, द कैट हेड। उसके बाद पीना की मीनिंग लिखेंगे ड्रिंक ड्रंक, यहाँ भीतरी लगाएंगे ड्रंक, द कैट हैड ड्रंक। दूध की मीनिंग लिखेंगे मिल्क। वेन आई रीच देयर द कैट हैड ड्रंक मिल्क, इस तरह से बच्चे बनाएंगे। जब शिक्षक विद्यालय पहुँचे तो छात्र पाठ याद कर चुका था, इसमें शुरू से बनाएंगे, जब की मीनिंग पहले लिखते हैं वेन, शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, पहुँचे, यहाँ पे वी टू लगाएंगे भाव का दूसरा, क्योंकि ये दूसरा काम है, वी टू लगाएंगे, रीच्ड, वेन द टीचर रीच्ड,
विद्यालय की मीनिंग लिखेंगे स्कूल, तो की मीनिंग यहाँ पे कोमा दे देते हैं, कोमा देंगे। छात्र पाठ याद कर चुका था, इसमें देखेंगे ये पहला काम है तो इसमें हेड का प्रयोग करेंगे। छात्र की मीनिंग लिखते हैं द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, इसमें हेड का प्रयोग करेंगे हेड। उसके बाद भी थ्री का प्रयोग करेंगे, भाव का तीसरा रूप लगाएंगे। याद करना की मीनिंग लिखेंगे रिमेम्बर्ड, भी थ्री लगाएंगे रिमेम्बर्ड। पाठ, पाठ की मीनिंग लिखेंगे लेसन। When the teacher reached a school, the student had remembered lesson. इस तरह से बच्चों बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं, जब मैंने शेर को देखा तो खरगोश घास खा चुका था। इसमें शुरू से बनाएंगे, पहले जब की मीनिंग लिखेंगे when, उसके बाद मैंने की मीनिंग लिखेंगे I। जब मैंने शेर को देखा, ये दूसरा काम है, इसमें भी टू का प्रयोग करेंगे देखा, तो भी टू लगाएंगे सी सौ, यहाँ भी टू लगाएंगे सौ एस ए डब्ल्यू। वेन आई सो शेर, शेर की मीनिंग लिखेंगे द लायन। वेन आई सो द लायन, उसके बाद तो की मीनिंग कोमा देते हैं। खरगोश घास खा चुका था, ये पहला काम, इसमें हेड का प्रयोग करेंगे। खरगोश की मीनिंग पहले लिखेंगे द रैबिट, द रैबिट, हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये पहला काम है। द रैबिट हैड, यहाँ भी थ्री लगाएंगे ई टेन, ईट एट ई टेन, ई टेन। घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास। वेन आई सो द लायन द रैबिट हैड ईटन ग्रास, इस तरह बच्चों बनाएंगे। जब सीता ने गीत गाई तो राम किताब पढ़ चुके थे, इसमें देखेंगे, इसमें शुरू से बनाएंगे, यानी जो पहला काम होगा उसमें भी थ्री का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा काम होगा उसमें भी टू का प्रयोग करेंगे। यानी पहला काम में हेड लगाएंगे, भी थ्री लगाएंगे और दूसरा काम में केवल भी टू लगाएंगे। तो शुरू से इसको बनाएंगे, जब, जब की मीनिंग लिखेंगे वेन, वेन सीता, सीता लिखेंगे यहाँ पे वेन सीता। उसके बाद भी टू का प्रयोग करेंगे, गीत गाना, तो गाना की मीनिंग लिखेंगे सिंग सेंग, यहाँ भी टू लगाएंगे सेंग। When Sita sang, गीत की मीनिंग लिखेंगे song, ये लगा देंगे ए song। When Sita sing a, sang a song, यहाँ भी टू लगाएंगे sing sang sung। When Sita sang a song, तो की मीनिंग कोमा देंगे। राम किताब पढ़ चुके थे, यानी ये पहला काम है तो इसमें हेड का प्रयोग करेंगे। पहले राम लिखेंगे राम हेड, उसके बाद भी थ्री का प्रयोग करेंगे पढ़ना, पढ़ना का मीनिंग लिखेंगे रीड रेड रेड, यहाँ भीतरी लिखेंगे रेड। राम हैड रेड, किताब की मीनिंग लिखेंगे बुक। वेन सीता सेंग ए सॉन्ग, यानी ये भी टू लिखा हुआ है सिंग सेंग। वेन सीता सेंग ए सॉन्ग, राम हैड रेड बुक, इस तरह से बच्चों बनाएंगे। यानी इसमें जो है जो भी पहला काम होगा उसमें हेड और भीतरी का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा काम होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ भी टू का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।